नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो इत्तेहाद पर कभी सख्त नहीं रहे और हमेशा लचकदार रहे हैं। उन्होंने कहा कि PAGT कभी लचकदार नहीं रहा, यह बहस कुछ और मकासद के हुसूल के लिए गैर सियासी इत्तेहाद था। उमर ने कहा कि कांग्रेस अपने कोटे से PDP को एक सीट अलॉट कर सकती है, लेकिन NC कुछ भी कुर्बान नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि NC का नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन की टीम से मुलाकात करेगा और वो लोकसभा इंतखाबात के साथ असेंबली इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर PDP लोकसभा में बेहतर कारकर्दगी दिखाती है तो वो असेंबली इंतखाबात के लिए PDP के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। उमर ने कहा कि उन्होंने PDP से इत्तेहाद नहीं तोड़ा, उन्होंने कहा कि वो उन्हें एडजस्ट नहीं कर सके। उमर ने सज्जाद लोन को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि इंतखाबात सिर्फ वोट मान नहीं रखते और कुछ नहीं। उमर ने आजाद को भी निशाना बनाया और कहा कि उन्होंने NC की हिमायत से इक्तदार का मजा लिया। उन्होंने कहा कि वोटर BJP स्पॉन्सर्ड पार्टियों को सबक सिखाएंगे। 6 सीटों में से 3 सीटों पे हमने कहा है कि हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे, ये आपको रिजिडिटी नजर आती है? इसमें कहां की रिजिडिटी है? और मुझे ये बताइए ना, आप किस रियासत में कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का कोई एलाय उन्होंने अपनी जीती हुई सीट अलायंस के लिए छोड़ी हो? मैं माफी चाहता हूं ना, कांग्रेस कौन होती है देने वाली? और अगर कांग्रेस देना चाहे तो शौक से दे, 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जम्मू सीट, उधमपुर सीट और लद्दाख सीट कांग्रेस के पास है, किसने रोका उनको? PAGD अलायंस वॉज नेवर एन इलेक्टोरल अलायंस, इट वॉज एन अलायंस बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। दोज पार्टीज दैट फील दैट PAGD शुड ओनली बेनिफिट सीट शेयरिंग वर इन द PAGD फॉर द रॉन्ग रीजन। हमारी तो एक ही डिमांड है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के इलेक्शन होने चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर में लोकसभा के इलेक्शन हो सकते हैं तो विधानसभा के क्यों नहीं? कहीं BJP को बचाने के लिए विधानसभा के इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन किए जा रहे हैं, ये यहाँ के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। इलेक्शन में अगर वोट मार्जिन नहीं होता फिर क्या होता है? व्हाट एल्स डू यू काउंट इन इलेक्शन अदर देन वोट्स? व्हाट इज ही इज द कैंडिडेट फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर, व्हाट इज ही गोइंग टू काउंट? व्हाट रिडिकुलस नोशन इज दिस that you don't count votes, that is no indicator. What is an indicator then? Sajjad Lon sahab khud lad rahe hain wahan pe, wo mujhe bataye na, what is he going to use to indicate? Are Azad sahab ne bhi hamare sath power enjoy kiya, bhul gaye wo? Jab Mufti sahab ko hatane ke liye wo roz hame phone karte the 2005 mein, jab wo 3 saal aana wali baat chal rahi thi, mujhe yaad hai na kis tarah wo phone kar rahe the। आजाद साहब हमारी मेंबरों की बदौलत राज्यसभा में पहुंचे, भूल गए वो? मुझे अच्छी तरह से याद है किस तरह मैडम शमीमा जी ने उस वक्त फोन करते हुए फारूक साहब के साथ वो फोन पे रो पड़ी, शुक्रिया करते हुए कि आपने दोबारा गुलाम नबी आजाद साहब को एक नई सियासी जिंदगी दी। वो ना, अब चलिए वक्त बदल गया, वो भी बदल गए, अब नए हालात बन गए हैं, उनकी नई मजबूरियां हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने भी हमारे वजह से काफी एंजॉय किया।